आज हम बात करने वाले हैं ताइवान के बारे में और समझेंगे कि क्या इंडिया ताइवान इशू को यूज कर चाइना के बढ़ते अग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर कर सकता है। इंटरनेशनल मीडिया में जब से क्वाड अलायंस और न्यू कोल्ड वॉर जैसे आइडियाज पर जोर दिया जाने लगा है, तब से ताइवान पर चर्चा भी तेज हो गई है। कुछ एनालिस्ट इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हमें ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि चाइनीज रीजनल डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हम ऑफिशियली आज भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। यहां तक कि यूएसए, जो ताइवान का मेजर सपोर्टर है, वो भी ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता है। इसके अलावा चाइना ताइवान इशू पर इतना ज्यादा एग्रेसिव है कि मई 2021 में चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया को ताइवान में इंटरफेयर करने के खिलाफ रिटेलिएटरी मिसाइल्स अटैक्स की धमकी दी थी। अप्रैल 2021 में ग्लोबल टाइम्स ने इंडियन न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटोरियल को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि इंडिया को ताइवान मुद्दे से दूर रहना चाहिए। ऐसी धमकी चाइना ने 2017 में भी इंडिया को दी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे ताइवान के इतिहास और उसके इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि क्या इंडिया को वन चाइना पॉलिसी को अबेंडन कर देना चाहिए, क्योंकि इतने साल के सपोर्ट के बाद भी चाइना के एक्शंस लार्जली इंडिया के खिलाफ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, ताइवान चाइना के साउथ एशिया में लोकेटेड एक आइलैंड है जिसकी गवर्नमेंट खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है और क्लेम करती है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट चाइना ने इलीगली चाइना को ऑक्यूपाई कर रखा है। ताइवान पर दुनिया भर के डिबेट के रूट्स चाइनीज सिविल वॉर तक जाते हैं। 1927 तक चाइनीज में KMT या फिर चाइनीज नेशनल पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर चाइना की गवर्नमेंट को रन कर रहे थे, लेकिन इसी साल दोनों के बीच स्प्लिट हुआ और KMT ने कम्युनिस्ट पार्टी को गवर्नमेंट से एक्सपेल कर उसके लीडर्स का सप्रेशन चालू कर दिया। इसके बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू हुए जिसका अंत 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री के साथ हुआ। कम्युनिस्ट ने KMT को चाइना से खदेड़ दिया, जिसके लीडर्स ने ताइवान में शिफ्ट होकर अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया। यूएसए के मिलिट्री सपोर्ट के चलते कम्युनिस्ट ने चाइना को एनेक्स नहीं किया, लेकिन तब से आज तक ताइवान की कैपिटल ताइपे से रिपब्लिक ऑफ चाइना रूल कर रही है, जहां KMT एक मेजर पार्टी है। चाइना और ताइवान दोनों खुद को रियल चाइनीज गवर्नमेंट्स बुलाते हैं। खैर, 1971 तक ताइवान लेड चाइना ने ऑफिशियली UNSC में परमानेंट सीट को एंजॉय किया, लेकिन 1971 में UNGA रेजोल्यूशन 2758 के तहत ये सीट कम्युनिस्ट चाइना को मिल गई, क्योंकि दुनिया भर में बीजिंग के रिलेशंस इंप्रूव हुए और बीजिंग एक मेजर पावर की तरह उभर रहा था। यूएसए भी बीजिंग की तरफ झुकने लगा, क्योंकि 1969 में चाइना यूएसएसआर वॉर ने कम्युनिस्ट सोलिडैरिटी को ब्रेक किया और यूएसए को चाइना में एक वायबल पार्टनर दिखा टू काउंटर सोवियत यूनियन। इसके चलते 1979 में यूएसए ने बीजिंग की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया और ताइवान से अपना रिकॉग्निशन वापस ले लिया। वैसे यूएसए कोशिश में था कि दोनों कंट्रीज को अलग अलग कंट्रीज की तरह रिकॉग्निशन मिले, लेकिन इस पर ना तो बीजिंग एग्री कर रहा था और ना ही ताइपे। बीजिंग के बढ़ते पावर और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने आज ताइपे को ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया है और केवल 23 देशों के साथ ही उसके ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जिनमें मोस्ट देश पैसिफिक, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्मॉल नेशंस हैं। हालांकि यूएसए आज भी ताइवान का सबसे बड़ा पार्टनर है। यूएसए का ये सपोर्ट एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था ताकि चाइना के अगेंस्ट वो अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके। इंडिया की बात करें तो उसने सिविल वॉर के बाद 1950 में ही कम्युनिस्ट चाइना के ऑफिशियल रिकॉग्निशन को सपोर्ट किया और बर्मा के बाद ऐसा करने वाला वो पहला देश था। ये इस उम्मीद पर बेस था कि बीजिंग हमारा पार्टनर बन सकता है, स्पेशली तब जब वो हमारा लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री था। ये पॉलिसी बेसिकली उस डिक्टम पर बेस थी जिसे PM वाजपेयी ने भी अपने स्पीचेस में कई बार यूज किया था, यू कैन चेंज फ्रेंड्स नॉट नेबर्स। लेकिन इसने इंडिया ताइवान के रिलेशंस को पूरे कोल्ड वॉर में फ्रीज कर दिया। हालांकि सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 के बाद से ही इंडिया बीजिंग के प्रति स्पेक्टिकल हो गया और उसने धीरे धीरे अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और इंडिया ने BOP क्राइसिस फेस की, तब उसने न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की ताकि ईस्ट एशिया के साथ टाइज इंप्रूव हो सके। इस पॉलिसी ने इंडिया ताइवान के रिलेशंस को भी एक डिप्लोमेटिक पुश दिया और 1995 में कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए। ये एक इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो ताइपे में इंडिया ताइपे एसोसिएशन और इंडिया में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के थ्रू मेंटेन होते हैं। इसके बाद से लगातार इंडिया ताइवान रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2002 में इंडिया ताइवान बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, 2003 में डायरेक्ट एयरलाइंस, 2004 में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का इंडिया जापान ताइवान कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना और 2007 में KMT के हेड के अनऑफिशियल विजिट इस रिलेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे।
2010 में एक मेजर इवेंट ने इंडिया ताइवान टाइज को और बूस्ट किया। बीजिंग ने कश्मीर में बेस एक इंडियन मिलिट्री कमांडर को वीजा देने से इनकार कर दिया, जो इंडिया के सोवरेनिटी पर सवाल था। रिस्पांस में इंडिया ने चाइना के साथ अपने मिलिट्री टाइज को सस्पेंड किया और चाइना को वन चाइना पॉलिसी के बदले वन इंडिया पॉलिसी एक्नॉलेज करने को कहा। इस वीजा इंसिडेंट के बाद इंडिया ताइवान के बीच हो रहे इनफॉर्मल विजिट्स कंपैरेटिवली फॉर्मल होने लगी। 2010 में प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को ताइवान ने होस्ट किया। 2011 में कई म्यूचुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी इसके कुछ पहलू हैं। 2016 में ताइवान की साउथ बाउंड पॉलिसी ने एशियान और साउथ एशिया रिलेशंस की बूस्टिंग पर जोर दिया। 2020 में गलवान क्राइसिस भी बेटर रिलेशंस का कैटलिस्ट बना। उसके बाद इंडिया ने ताइवान में एक सीनियर डिप्लोमेट गोरंगालाल दास को, जो पहले इंडो यूएस रिलेशंस हैंडल कर रहे थे, ताइपे में इन्वॉय की तरह अपॉइंट किया। ताइपे टाइम्स ने गलवान में चाइनीज एग्रेशन को क्रिटिसाइज भी किया और बाकी देशों को इंडिया को सपोर्ट करने की बात की। ताइवान का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन। ताइवान ईस्ट एशिया में चाइना के क्लोजेस्ट टेरिटरीज में से एक है। यही वजह है कि यूएसए ने भले ही कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उसने कभी भी ताइवान के साथ रिलेशंस को इसलिए यह स्ट्रेटजिक लोकेशन क्वाड जैसे फ्यूचर अलायंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। सना हाशमी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ ताइपे में रिसर्च फेलो है, वो इंडिया ताइवान के स्ट्रॉन्गर रिलेशन को रिकमेंड करती हैं और उसे इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्रूशल बताती हैं। यूएसए का डीप स्टेट ऑलरेडी कोशिश में है कि ताइवान के साथ टाइज स्ट्रांग हो। ट्रंप ने अपने सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को रीइंफोर्स करते हुए पिछले साल ताइवान स्ट्रेट से नेवल शिप्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। दूसरा फैक्टर है ताइवान को लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेंसिटिविटी। जब भी कोई देश ताइवान को टच करने की भी कोशिश करता है, बीजिंग का रिस्पॉन्स काफी एग्रेसिव होता है। इस सेंसिटिविटी के थ्रू इंडिया एशिया में बैलेंसिंग और चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ मैसेज दे सकता है। इंडिया ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया, लेकिन चाइना ने कश्मीर पर रेसिप्रोसिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसके अलावा चाइना ने खुद भी इंडियन टेरिटरी अक्साई चिन्ह को कैप्चर कर रखा है और समय समय में लद्दाख में अग्रेशन दिखता रहता है। इस कॉन्टेक्स में अगर इंडिया ताइवान के साथ टाइज को इम्प्रूव करे, तो शायद चाइना अपने हिपोक्रिटिकल पॉलिसी को छोड़ इंडिया की सोवरनिटी को रिस्पेक्ट करेगा, एज पर द पंचशील ट्रीटी ऑफ 1954, जो इंडिया चाइना रिलेशंस का फाउंडेशन स्टोन है। चाइना इंडिया की वन चाइना पॉलिसी को इंडिया की मजबूरी समझता है, लेकिन स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि अब ये चेंज होना चाहिए। द डिप्लोमैट के हिसाब से इंडिया ताइवान रिलेशंस में इकोनॉमिक एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2002 से 2014 के बीच ताइवान ने केवल $66 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 2015 से ये रैपिडली इंक्रीज हुआ और ताइवानीज कंपनीज फॉक्सकॉन ने इंडिया में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। बायलेटरल ट्रेड भी 2016 में लगभग $6 बिलियन का था, विद 90 ताइवानीज फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। इसलिए फॉर्मर डिप्लोमेट जी पार्थ सारथी ताइवान के इंडिया को कोविड क्राइसिस के समय दिए गए मेडिकल सपोर्ट को हाईलाइट करते हुए इंडिया ताइवान टाइज को बूस्ट करने की बात करते हैं। ताइवान इंडिया के की सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा ताइवान इंडिया और बाकी के कंट्रीज जैसे यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना में भी हेल्पफुल हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि सी राजा मोहन के हिसाब से ताइवान भले ही एक छोटा टेरिटरी है, लेकिन उसकी जीडीपी लगभग $600 बिलियन है, ट्वाइस द पाकिस्तान इकॉनमी। शायद इसीलिए 2018 में इंडियन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस ने भी इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने की बात कही है। ताइवान के साथ रिलेशंस के इम्प्रूवमेंट को कई स्कॉलर सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन रिलेशंस की लिमिट क्या होगी उस पर कई डिबेट्स हैं। न्यू मीडिया एंड सोशल मीडिया में ऐसे डिमांड्स दिखती हैं जहां लोग इंडियन गवर्नमेंट को ताइवान की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने को कहते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट के विदिन इस बात पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं दिखती। इसके कई कारण हैं। पहला ये कि फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव शिफ्ट नहीं ले सकती, क्योंकि वो काफी प्रोवोकेटिव होती है। वर्ल्ड वॉर्स के एक्सपीरियंसेस ने दुनिया भर को ये सिखाया है कि एग्रेसिव और प्रोवोकेटिव फॉरेन पॉलिसीज कैसे वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, और अगर ताइवान इशू को एक लिमिट के बियॉन्ड पुश किया गया तो वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, और वॉर में हार जीत से ज्यादा बड़ा मुद्दा उसके डिवास्टेशन का स्केल हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से चाइना इस मुद्दे पर एग्रेसिव है, उस हिसाब से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की राजेश्वरी पिलाई राजागोपालन कहती हैं कि फिलहाल तो एक्सट्रीमली कॉशियस इंडियन गवर्नमेंट भी शायद ही ताइपे को सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज और वन चाइना पॉलिसी को अबेंडन करेगी, लेकिन एग्जिस्टिंग टाइज इम्प्रूव होंगे इस पर कोई शक नहीं है। अगला कारण ये भी है कि यूएसए ने भी इस मुद्दे में कोई पहल नहीं दिखाई है।
इंडिया को अगर चाइना जैसे पावर को काउंटर करना है तो उसके लिए अलायंस ही रेशनल डिसीजंस होंगे। फॉरेन पॉलिसीज इमोशन से कम और रेशनैलिटी से ज्यादा डिसाइड और सक्सेसफुल होती हैं। ऐसा रियलिज्म जैसे डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट का मानना है। लेकिन ये बात तय है कि अगर चाइनीज एग्रेसिवनेस को कम करना है तो इंडिया जरूर इस मुद्दे के बारे में सोच सकता है। ताइवान की सोवरेनिटी को इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये क्लियर है कि इंडिया को ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना होगा और वो भी कंसिस्टेंटली। दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी की नम्रता हसीजा कहती हैं कि इंडिया को अब ताइवान को केवल चाइना लेंस से नहीं देखना चाहिए। इंडियन पॉलिसी टुवार्ड्स ताइवान जनरली तभी एक्टिव होती है जब सिनो इंडियन टाइज में टेंशंस होती हैं। उनके हिसाब से अब वक्त आ गया है कि इंडिया ताइवान टाइज जेन्युइनली और चाइना से इंडिपेंडेंटली भी डेवलप हो। इसके अलावा ताइवान की ब्रिलियंट पैंडमिक कंट्रोल पॉलिसी और पब्लिक डिप्लोमेसी ने उसे दुनिया भर में पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। इसलिए सना हाशमी कहती हैं कि इंडिया को WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी WHA में ताइवान के ऑब्जर्वर स्टेटस को सपोर्ट करना चाहिए जिसे बीजिंग ब्लॉक करता रहा है। G7 ने ऑलरेडी इस डिसीजन को सपोर्ट किया है। इंडिया करेंटली WHA का चेयर है और ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है जिसे इंडिया यूज कर सकता है। इन टोटैलिटी जब बीजिंग और ताइपे के ही इकोनॉमिक रिलेशंस काफी एक्टिव हैं, तब ऐसी इंडिया का इनकंसिस्टेंट और एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच पॉइंटलेस लगता है। अगर हमें ताइवान के साथ लॉन्ग टर्म टाइज बिल्ड करने हैं तो ये जरूरी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रहे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन इस मुद्दे के ऊपर देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।